अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आज की पूरी वीडियो हम लोग एक मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करेंगे। इट डज नॉट रियली मैटर वेदर यू आर यूजिंग द एंड्रॉइड और iOS, ऑल द बेसिक रूल्स आर सेम। सो डू यू वांट टू मेक अ YouTube वीडियो लेकिन आपके पास कैमरा नहीं है? वेल द गुड न्यूज इज यू रियली डोंट नीड अ प्रॉपर कैमरा टू शूट अ वीडियो। अपनी जेब में झांके, मोबाइल फोन का कैमरा इज अ गुड कैमरा। एंड यस, आई डू एग्री दैट क्वालिटी ऑफ अ मोबाइल फोन कैमरा इज अ लिटिल बिट डिटीरियोरेटेड देन अ रियल कैमरा। लेकिन YouTube और Facebook के ऊपर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने शूट किस कैमरे से किया है। आज की ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड हम लोग अपने आईफोन के कैमरा पर शूट कर रहे हैं, और कैमरा भी वो जो कि फ्रंट फेसिंग है, सेल्फी कैमरा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड कैमरा। लेकिन आई एम श्योर कि अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि हम किस कैमरे पर शूट कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपने एक और चीज़ बड़ी कॉमनली सुनी होगी कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन जिम्बल के साथ यूज़ करना चाहिए। राइट नाउ आई हैव FY विम्बल 2 विद मी। ज़बरदस्त जिम्बल है, मैंने खुद यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया बिकॉज आई ऑब्वियसली वेंट इन टू DSLR एंड मिररलेस कैमराज और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। वेल टुडे आई एम गोइंग टू गिव अवे दिस जिम्बल। इसके लिए आपने करना क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट ये जिम्बल आप में से किसी एक का हो सकता है। सो वॉच द वीडियो अंटिल द एंड टू फाइंड आउट कि आपने इस जिम्बल के लिए कम्पीट कैसे करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द टिप्स। इन 10 टिप्स को अगर आप सुनेंगे और अगर आप इन 10 टिप्स पर अमल करेंगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी को कहीं से कहीं ले जाएंगे। अगर आप YouTube को देखें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन का कैमरा इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं एंड देयर चैनल्स आर डूइंग रियली गुड। वाइल ऑन द अदर हैंड कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जो जब अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पता चल रहा होता है कि इस बंदे ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग की है। वेल, अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगले बंदे को ये पता नहीं चल पाएगा कि आपने रिकॉर्डिंग की किसके ऊपर है। आज की टिप्स में सबसे पहली टिप तो ये है कि अपने मोबाइल फोन के कैमरे को एक प्रॉपर कैमरा समझना शुरू करें। शूटिंग से पहले अपने मोबाइल फोन की लेंस को क्लीन कर लें, कपड़े से क्लीन कर लें, एनीथिंग दैट इज अवेलेबल विद यू। अ क्लीन लेंस विल मेक अ क्लीन वीडियो। अगर आपकी लेंस साफ नहीं होगी तो आपकी वीडियो एट द पॉइंट ऑफ शूटिंग वैसे ही अपनी वैल्यू खो देगी। टिप नंबर दो ये है कि अपने फोन की ऑडियो पर एतबार मत करें। सम ऑफ द फोन्स रियली रिकॉर्ड अ गुड ऑडियो, लेकिन साथ ही जो एम्बियंट नॉइज है उसको भी अच्छा खासा रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक क्लिप ऑन माइक लें जैसा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और उसको सेपरेट ऑडियो रिकॉर्डर या एक सेपरेट मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें। एंड्रॉयड फ़ोन्स की, आईफोन्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी ऑडियो को सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बाद में व्हेन यू आर इन पोस्ट प्रोडक्शन जब अपने सॉफ्टवेयर में आप जाते हैं तो आप उन दोनों ऑडियोज़ को मिक्स कर सकते हैं। टिप नंबर तीन ये है कि अपने मोबाइल की सेटिंग्स बजाएं और अपनी कैमरा रेजोल्यूशन को हाईएस्ट पॉइंट पे कर दें। इफ़ यू कैन रिकॉर्ड 4K इट्स ऑसम, इफ़ यू कैन नॉट HD विल ऑल्सो डू। लेकिन आप जितनी मैक्सिमम रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करेंगे उतना आपके पास एडिटिंग के टाइम पे प्लेग्राउंड ज़्यादा होगा। आप थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा रीफ्रेम कर सकते हैं। अगर आपकी रेजोल्यूशन मैक्सिमम नहीं होगी तो आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते। सो द बेस्ट रेजोल्यूशन जिसमें आपका कैमरा रिकॉर्ड कर सके उसमें रिकॉर्डिंग करें। एंड देन कम्स द फ्रेम रेट। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज सेलेक्ट 24 और 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। अगर आप बहुत हायर फ्रेम रेट में रिकॉर्ड करेंगे द वीडियो विल लुक टू स्मूथ और अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप बहुत कम फ्रेम रेट में रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो विल बी जिटरी एंड स्टटरी। 24 इज अ गुड स्टैंडर्ड आई मस्ट से। US वाले 24 पे रिकॉर्ड करते हैं, पाकिस्तान में 30 फ्रेम चलता है। मुझे पर्सनली जाती तौर पर 24 फ्रेम ज़्यादा अच्छा लगता है। सो वट एवर यू डिसाइड कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप स्टैटिक शॉट्स ले रहे हैं, आपका टैलेंट सामने खड़ा हुआ है जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूँ, या इफ़ योर टैलेंट इज़ नॉट मूविंग देन मेक श्योर दैट यू टच द स्क्रीन, होल्ड इट जब तक AE AF लॉक लिखा हुआ नज़र ना आ जाए। नाउ AE AF लॉक क्या है? AE AF लॉक ये है कि आपका ऑटो एक्सपोजर और आपका ऑटो फोकस अब लॉक हो गया, अब ये मूव नहीं करेगा। ऑटो फोकस के ऊपर मोबाइल फ़ोन का कैमरा समटाइम्स हंट करता है टैलेंट के लिए। जब आपने उसको लॉक कर दिया तो अब ये इसी फोकस के ऊपर रहेगा और दोबारा आपके टैलेंट को सर्च नहीं करेगा, आपके कैरेक्टर्स को सर्च नहीं करेगा। सो मेक श्योर दैट यू डू इट बिफोर यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। वेल, इन द अदर सिनेरियो इफ़ योर टैलेंट्स आर मूविंग, अगर आपके टैलेंट्स मूव कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास इसके अलावा और कोई चॉइस है नहीं कि आप उसको ऑटो फोकस पर छोड़ दें। बट डोंट वरी, ट्रस्ट योर मोबाइल फ़ोन, ट्रस्ट योर कैमरा। आई एम वेरी श्योर कि ये आपके टैलेंट को जो है फोकस में रखेगा। पांचवी टिप हमारी ये है कि रिकॉर्डिंग करने से पहले आप लाइट के बारे में सोच लें। लाइट ऐसी हो कि जैसे सूरज मेरे इस तरफ है और आपको मेरे हाफ फेस के ऊपर एक शैडो सा कास्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। दिस विल गिव द बेस्ट इंप्रेशन एंड द बेस्ट यू नो सिनेमैटिक काइंड ऑफ शॉट। लाइट के बारे में अगर आप इतना वाइड एंगल नहीं भी रख सकते तो प्लीज़ एटलीस्ट मेक श्योर कि आपके कैमरे के एंगल में और आपकी लाइट के एंगल में 45 डिग्री का फ़र्क हो, दाएँ या बाएँ।
और आपका फेस आधे तरफ शेडो कास्ट कर रहा हो। अगर ये शेडो कास्ट नहीं करेगा मज़ा नहीं आएगा। एंड फाइनली यस, वन मोर थिंग कि आपका जो टैलेंट है आपकी लाइट उससे थोड़ी सी ऊपर हो, लिटल अबव। इस तरह से लाइट और आपका कैमरा जो कैप्चर कर रहा होगा उसका बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा एंड यू विल गेट सम रियली गुड फुटेज। और 60 भी है कि मोबाइल फ़ोन कैमराज अच्छे तो ज़रूर हैं बट दे डू नॉट परफॉर्म वेरी वेल इन लो लाइट। अगर आप इसको लो लाइट में शूट करेंगे देर विल बी अ लॉट ऑफ डिजिटल नॉइज, कैमरा खुद ISO बढ़ाएगा, मुख्तलिफ चीज़ों को बढ़ाएगा कम करेगा, आपकी वीडियो बिल्कुल मुशी लगेगी। सो अवॉइड लो लाइट। अगर आपके पास नेचुरल लाइट नहीं है आर्टिफिशियल का इंतखाब कर लें बट अवॉइड द लो लाइट। सातवीं टिप हमारी ये है कि जब आप अपने कैमरे को यूज़ करें तो जैसा मैं आपको एक पहले पॉइंट में बता चुका हूँ, मेक श्योर कि कैमरा आपकी लाइट से नीचे हो और आपकी लाइट से कम अज़ कम 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा हो। एट द सेम टाइम जैसे मैं इस वक्त कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ तो आपने ये भी यकीन कर लेना है कि कैमरा या तो मेरी आई लेवल के ऊपर हो और या मेरे आई लेवल से थोड़ा सा ऊंचा हो। इफ़ यू विल यूज़ दिस रूल्स आपके पास जो वीडियो आएगी दैट विल लुक मच बेटर। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे इट विल लुक रियली बैड। एंड वंस यू स्टार्ट शूटिंग एंड वंस यू हैव ऑलरेडी लर्न शूटिंग देन ऑब्वियसली यू शुड डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो। फिर आप तजर्बे करें, जी भर के करें और तजर्बे करके सीखें, लेकिन एटलीस्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना अपने वीडियो मेकिंग को, इन रूल्स को फॉलो करेंगे फ़ायदे में रहेंगे। आठवीं टिप हमारी ये है कि अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को गोरिल्ला पॉड पर यूज़ करें, ट्राईपॉड पर यूज़ करें। जैसे जब मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ एंड व्हेन आई एम टॉकिंग तो मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो सामने ट्राईपॉड के ऊपर फिक्स है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन फिक्स नहीं होगा तो इट विल बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू हैंडल। आपको एक स्पेशली बंदा चाहिए होगा जो कि कैमरे को हैंडल करे, और अगर वो हैंडल कर भी लेगा तो आपको फिर शूटिंग के बाद ही पता चलेगा कि उसने कैसा हैंडल किया कैमरे को। इसी तरीके से जब आप शूट कर रहे हो तो वो गोरिल्ला पॉड के ऊपर हो आपका मोबाइल फ़ोन या आपके जिम्बल के ऊपर हो, दैट वे यू विल गेट सम रियली गुड सिनेमैटिक मूवमेंट्स एंड रियली गुड सिनेमैटिक शॉट्स। नौवीं टिप मेरी ये है कि आप अपने कैमरे के लेवल को अपने टैलेंट के लेवल पर रखें। आपको याद है जब हम 8-9-10 साल के थे हमें दुनिया बड़ी बड़ी सी नज़र आती थी, हमें वही घर जिसमें हम अभी रह रहे हैं बड़ा बड़ा सा लगता था, दैट इज़ बिकॉज इट वॉज द आई लेवल ऑफ अ 9 to 10 ईयर ओल्ड बॉय। और यही रूल अभी तक सिनेमाटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में फॉलो होता है। यूज दिस रूल, अपने कैमरे को 9-10 साल के बच्चे की आंख के लेवल पे जब आप रखेंगे यू विल रियली गेट सम गुड शॉट्स। अगर आपका टैलेंट बिल्कुल कैमरे के सामने है जैसे मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूं तो मेरे आई लेवल पे रखें। अगर आपका टैलेंट कैमरे से दूर है तो अपने कैमरे को नीचे कर लें और 9 से 10 साल के बच्चे का आंख का जो लेवल होता है उस पर ले आएं, यू विल गेट गुड शॉट्स। और आज की हमारी फाइनल टिप ये है कि जब आप अपने कैमरे को मूव कर रहे होते हैं तो आपके पास बेस्ट फुटेज तब आएगी अगर आपके पास जिम्बल होगा। जिम्बल नहीं भी होगा तो आप बाद में अपने NLE यानी कि नॉन लीनियर एडिटर में जाके स्टेबल जरूर कर सकते हैं पर वो मज़ा नहीं आएगा। अगर जिम्बल होगा तो आप स्लाइड, पैन, पुश, टिल्ट, हर किस्म के शॉट्स ले सकते हैं। अगर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के कैमरे को देखें तो मोबाइल फ़ोन का कैमरा मोबाइल फ़ोन के सेंटर में नहीं होता, इट इज़ टू द साइड, लेंसेज की साइड पर लगी हुई होती है। और जब आपका हाथ यूं करके हिलता है ना सारा सीन वैसे ही खराब हो जाता है। सो दीज वर माई 10 टिप्स जो कि अगर आप स्टार्ट में फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू विल गेट सम रियली गुड फुटेज। आपकी ऑडियो नीट एंड क्लीन आएगी और जब आप इसको अपने एडिटर में लेके जाएंगे और इस फुटेज को जब आप एडिट करना शुरू करेंगे आपको मजा आ जाएगा। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जिम्बल मैं इस वीडियो के आखिर में गिव अवे करूंगा। सो हाउ टू एक्चुअली डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नंबर 2 आपने नीचे कमेंट करना है कि आपको ये जिम्बल चाहिए। नंबर 3 आपने अपनी एज मेंशन करनी है और आपने ये बताना है कि आप करते क्या हैं और आपको ये जिम्बल क्यों चाहिए। बेसिकली मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जानना चाहता हूं तो दैट इज व्हाई आई थिंक आई वांट टू नो ऑल दैट स्टफ। उसके बाद आपने ट्विटर पे जाना है, ट्विटर पे जाके आपने मुझे फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद आपने मुझे DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज भेजना है। ऑल यू हैव टू राइट इज कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज इसलिए भेज रहे हैं कि आपको ये जिम्बल चाहिए और यस आपने ये जरूर लिखना है कि आपको ये जिम्बल क्यों चाहिए। आपको मेरी ट्विटर प्रोफाइल का लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो टू डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप मेरे ट्विटर पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। आई विल एक्सेप्ट ओनली दी एंट्रीज जो कि मेरे सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने कॉमेंट किया होगा। अगर आपने ये दोनों काम नहीं किए तो ये जिम्बल आपका नहीं हो सकता। एंड आई रियली होप कि यू मेक सम ऑसम वीडियोज विद दैट। So with that pretty much concludes our today's video. हमारी आज की वीडियो यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होती है। आई एम वेरी श्योर कि आपने ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं गौर से सुने होंगे। अगर आप अमल करेंगे आई एम वेरी श्योर कि आपकी वीडियोस बहुत बेहतर हो जाएंगी। विथ टन्स ऑफ लव टू माई डिजिटल फैमिली एंड टू बी डिजिटल फैमिली, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज़ ऑरेंज शॉर्ट्स, आई एम जाहिद, अल्लाह हाफिज़।